Hello students, welcome to gatelectures.com. This is the introduction lecture of thermodynamics, in which we will see why we study thermodynamics and what is thermodynamics and what is the application area of thermodynamics subject. सबसे पहला क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स में जो चीजें पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं और उसका एप्लीकेशन एरिया कौन कौन सा है. ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे. इसलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कंटेंट्स. इंडेक्स में देखते हैं कि अपने थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा सिलेबस क्या है और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं. तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं बेसिक पढ़ते हैं. बेसिक चैप्टर के अंदर में हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं. जो आपने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो चीजें आपने पढ़ी हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, पाथ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ई रिवर्सिबल प्रोसेस, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, कॉन्टिनम कंसेप्ट, ये सारी चीजें हम लोग, छोटी छोटी जो चीजें हैं ये टोटल हम लोग बेसिक कंसेप्ट में ही कवर करेंगे. फेज लॉ, टोटल चीज, स्टेट सिस्टम, सारी चीजों को हम कवर कहां करेंगे, बेसिक में. सेकेंड चैप्टर जो हम लोग इसमें एनालाइज करेंगे वो अपनी होगी एनर्जी इंट्रैक्शन. थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, हाँ, सेकेंड चैप्टर में एनर्जी इंट्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में जो चीजें देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी के कितने टाइप होते हैं. जनरली जो अपना थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें दो टाइप की एनर्जी होती है, वन इज स्टोर्ड एनर्जी एंड सेकेंड वन इज एनर्जी इन ट्रांजिट. ओके, तो एनर्जी इन ट्रांजिट आर ऑफ टू टाइप, वर्क एंड हीट. ये सारी चीजें हम देखेंगे, हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है और वर्क, बाकी जो एनर्जी है जो ट्रांजिट में है, जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं हो रही है, दैट एनर्जी इज वर्क. तो वो सारी चीजें हम कहां कवर करेंगे, एनर्जी इंट्रैक्शन में. टोटल एनर्जी की बात करेंगे जिसमें कि वर्क इंट्रैक्शन की बात करेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस में, क्लोज सिस्टम की बात करेंगे. ओके, देन थर्ड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब यहां पर एंटर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चैप्टर जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपनी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सिंपल सी बात है कि हम इसमें टोटल, ये फिजिकल लॉ है. और सबसे बड़ी बात कि इस लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप डिफरेंट बुक फॉलो करते हैं तो डिफरेंट कंसेप्ट दिए रहते हैं, लेकिन आपको सिंपल कंसेप्ट में बताऊंगा कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो कुछ नहीं, केवल एनर्जी कंजर्वेशन की बात हमें करनी है. एनर्जी कंजर्वेशन की, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन, कितनी एनर्जी, कोई भी एक कंट्रोल वॉल्यूम लेंगे या एक सिस्टम की जब हम बात करेंगे, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम में, जब हम एक सिस्टम में किसी एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, कोई भी एनर्जी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क इंट्रैक्शन हो रहा है, तो एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आउट हो रही है. और वो जो सिस्टम है स्टेडी स्टेट है या अनस्टेडी स्टेट का है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी एनर्जी चेंज हो रही है या विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, वो सारी चीजें यहां पर देखेंगे और सिंपल एक अप्रोच लगाएंगे. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम दोनों को कवर करेंगे हम लोग, वो होगी एनर्जी कंजर्वेशन मेथड. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा हमें समझ में. देन प्रोसेस के लिए जो चीजें आती हैं कि एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे यहां पर. फिर हम फोर्थ चैप्टर देखेंगे. फोर्थ चैप्टर इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ के बाद सेकेंड लॉ आया, दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस हम देखेंगे. जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप इसे फिजिकली फील कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को फील कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट लॉ में हम लोग चीजें देखते हैं
क्या देखते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, एनर्जी के क्वांटिटी की बात करते हैं, हम क्वालिटी की बात कहीं नहीं करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल क्वांटिटी की बात करेगा, और जैसे ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंटर हम करते हैं, वहां पर बात स्टार्ट हो जाती है क्वालिटी की, क्वालिटी एनर्जी, और उससे निकल के एक कंसेप्ट आता है एंट्रोपी। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आता है फिफ्थ चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, वो होगी अपनी एंट्रोपी। एंट्रोपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी एग्जाम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, बिकॉज कि अपना जैसे जैसे इन्वेंशंस आगे बढ़ते हैं उसमें क्या होती है, क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केवल आप हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ में उसके क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, और क्वालिटी को इंप्रूव करने के चक्कर में हम एंट्रोपी की स्टडी करेंगे टोटल। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर एक्सर्जी, कुछ बुक्स में एक्सर्जी को अवेबिलिटी कुछ बुक्स में इस चैप्टर को अवेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये एंट्रोपी से भी एक स्टेप आप फॉरवर्ड कह सकते हैं, थोड़ी सी क्वालिटी को और हम इंप्रूव करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद सेवेंथ चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में टू फेज सिस्टम की एनालिसिस करेंगे, जो फ्लूड है, टू फेज सिस्टम, मल्टी फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, बट जनरली जो आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टू फेज सिस्टम ही हमें पढ़ना है। तो टू फेज सिस्टम की टोटल एनालिसिस इसमें करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, और स्टीम टेबल से क्वेश्चंस को, स्टीम टेबल से डेटा को देखना सीखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का अप्रोच होना चाहिए। एट चैप्टर अपना आता है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में हम जो चीजें देखेंगे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में, अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले ये ईएस के सिलेबस में था बट आफ्टर 2016 इसे ईएस के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया इस चैप्टर को। अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्लॉसियस कैलिप्रॉन इक्वेशन और जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लॉसियस कैलिप्रॉन इक्वेशन कहां से आता है, मैक्सवेल इक्वेशन से प्रूफ करते हैं, और मैक्सवेल इक्वेशन के लिए टीडीएस इक्वेशन चाहिए। तो वो सारी चीजें एक चैप्टर, दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिक, पहले बेसिक पढ़ना है, फिर एनर्जी एनर्जी इंट्रैक्शन, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन एंट्रोपी, देन एक्सर्जी, देन प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, देन थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, एंड लास्ट चैप्टर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये चैप्टर टोटल, इसमें आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और सीक्वेंस को कहीं पर भी नहीं छोड़ना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आप सीक्वेंस को नहीं फॉलो करेंगे तो चीजें फिर आपके लिए पजल हो सकती हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि चीजों को बेसिकली पहले समझना है, देन आफ्टर इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, और सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल लगेगा। बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस सब्जेक्ट को फील करना स्टार्ट कर दिए, देन आफ्टर ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप हर एक चीज को फील कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। अब देखते हैं कि हर एक चैप्टर का एप्लीकेशन कहां हमें पढ़ना है, क्यों ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बेसिक और एनर्जी एनर्जी इंट्रैक्शन, ये तो थर्मल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही बेसिक चीज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होता है। अगर आप आईसी इंजन की स्टडी कर रहे हो, आईसी इंजन, तो आपको आईसी इंजन में एयर स्टैंडर्ड साइकिल की स्टडी करनी है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आपको पीवी डायग्राम बनाना है, जो कि आपको कहां से मिलेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, इंटरनल एनर्जी, देन आफ्टर आप हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी तीनों का यूज करते हो, फिर वहां पे प्रूव करते हो कि हीट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप यहां पर प्रूफ करते हो, पीवी डायग्राम बनाना सीखते हो, तो वो सारी चीजें, इसका एप्लीकेशन पार्ट आपको आईसी इंजन में मिलता है, जो कि आईसी इंजन का
पहला चैप्टर एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो डीजल ड्यूअल साइकिल में आप इसका एप्लीकेशन देखोगे, और इसी का एप्लीकेशन आप पावर प्लांट में भी देखोगे ब्रेटन साइकिल में। ओके, देन सेकंड चैप्टर, इस चैप्टर का एप्लीकेशन पार्ट आप डायरेक्ट एक सब्जेक्ट हो जाता है आरएसी। आरएसी एक सब्जेक्ट हो जाता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें कि आप VCRS देखोगे। और जब आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ोगे तो एंट्रोपी का कंसेप्ट वहीं से जनरेट होता है। तो एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स करने के बाद आप पीवी के बाद टीएस डायग्राम भी डेवलप करना सीख जाओगे, और जब पीवी और टीएस डायग्राम बनाना सीख जाओगे तभी आप आईसी इंजन और आरएसी को कंप्लीट कर पाओगे। आरएसी में जो रेफ्रिजरेशन का पार्ट है, अगर रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट आप देखो तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आता है। कौन से स्टेटमेंट से आता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट से आता है। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है? दो स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट आपका प्लैंक्स एंड केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन एंड प्लैंक्स स्टेटमेंट, जो कहते हैं कि कोई भी डिवाइस, कोई भी इंजन हम डेवलप, ऐसा इंजन डेवलप नहीं कर सकते जो कि सिंगल थर्मल रिजर्वायर से हीट क्यों ले और वर्क आउटपुट दे। इट मीन्स क्या कि कोई भी डिवाइस या इंजन हम डेवलप नहीं कर सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, थर्मल एफिशिएंसी 100% हो। और सेकेंड स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहता है कि कोई भी ऐसी डिवाइस हम डेवलप नहीं कर सकते हैं जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में रिलीज करे, रिजेक्ट करे विदाउट एनी पावर इनपुट। तो वहीं से कंसेप्ट आता है आरएसी का, रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट आता है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का एप्लीकेशन पार्ट यहां पर हमें देखने को मिलता है। और आरएसी में ही जब आप वीसीआरएस देखते हो तो वहां पर किसका कंसेप्ट आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, टू फेज सिस्टम। तो वीसीआरएस में आप जब टू फेज सिस्टम देखते हो तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का बहुत ज्यादा यूज आता है। ओके, फिर एक्सर्जी, एक्सर्जी जो पार्ट हम देखेंगे ये प्योर कंसेप्चुअल है, और इसमें हम देखते हैं और क्वालिटी को और इम्प्रूव करते हैं, एनर्जी के क्वालिटी को और डीप जाते हैं कि कितनी क्वालिटी एनर्जी अवेलेबल है किसी भी सिस्टम में। तो उस एनर्जी को जो उस एनर्जी की जो एनालिसिस करेंगे हम एक्सर्जी में करेंगे। और इनके जो कंसेप्ट हमें मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अगर यहां से कंसेप्ट देखें तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग सिंपल, फिर आरएसी में ही VCRS वगैरह जहां पर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज गिवन होती हैं तो वहां पर इस कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। ओके, देन थर्मोडाइनेमिक रिलेशंस, मैंने बताया थर्मोडाइनेमिक रिलेशंस में केवल दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। उसके बाद मिक्सचर ऑफ गैसेस में हम देखेंगे डाल्टन्स थ्योरी, मतलब पार्शियल प्रेशर्स की स्टडी टोटल देखेंगे। अब बात आती है कि इस सब्जेक्ट का बुक कौन सा प्रेफर करना है, रेफरेंस बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो रेफरेंस बुक में आप सिंपल, अगर इंडियन ऑथर की बुक करना चाहते हो तो पीके नाग। एक चीज मैं बता देता हूं, इस सब्जेक्ट में हर एक बुक में अपना व्यू होता है, हर एक डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए अपना व्यू होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इस बुक में ये चीज, ये कंसेप्ट गलत है, इस बुक में ऐसा लिखा है। तो जब आप इस सब्जेक्ट को फील करने लग जाओगे तो आपके भी डेफिनेशन डिफरेंट होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुक गलत या कोई बुक सही है, ऐसा कुछ नहीं है। पीके नाग की बुक बहुत ही स्टैंडर्ड है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, इसके सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको डीप में स्टडी करनी है तो यूनिस ए संजल की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, कंसेप्चुअल बुक, बहुत ही अच्छी बुक, इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए इन बुक्स की तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिख करके सेंड करें, उस पर हम लोग सेंड करेंगे, आपको सॉफ्ट कॉपी भी सेंड करेंगे, इन सब बुक्स का सॉफ्ट कॉपी हम सेंड करेंगे आपको, बशर्ते आपको कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। अब देखते हैं सिंपल सी बात, थर्मोडाइनेमिक्स में दो तीन चीजें और डिस्कस करते हैं। थर्मोडाइनेमिक्स जो सब्जेक्ट है, मेनली थर्मोडाइनेमिक्स मीन्स वॉट, अभी मैं इंट्रोडक्शन में ही बात कर रहा हूं। थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोडाइनेमिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है,
सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में हम क्यों पढ़ते हैं? अभी तो हमने क्या देखा, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन एरियाज को हमने देखा। अब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, इसमें क्या चीजें हम मतलब जनरली क्या हमें पढ़ना है? तो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, एक है थर्मी, एक होता है डायनेमिक्स। थर्मी मीन्स हीट, एंड डायनेमिक्स मीन्स इन मोशन, हीट इन मोशन। सिंपल सी बात है, जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे, तो वहां पर हीट इन मोशन की बात हम करेंगे कि हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का जो इंट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, वर्क हीट का इंट्रैक्शन हो रहा है, तो सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इसका अगर आप प्रिसाइज डेफिनेशन देखो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का, तो सिंपल डेफिनेशन है, मैं बोल रहा हूं कि पूरे सब्जेक्ट में एक ही चीज हम एनालाइज करते हैं, शुरू से अंत तक एक ही एनालिसिस चलती है कि हाउ टू कन्वर्ट हीट इंटू वर्क मैक्सिमम। कि हीट को, हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, सिंपल सी बात है। हीट क्या होती है अपनी, आगे जब हम लोग देखेंगे तो लो ग्रेड एनर्जी होती है। लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी क्यों कहते हैं हीट को? हीट में जो एनर्जी है उसमें से आप कुछ यूजफुल एनर्जी निकालते हो और कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। ओके, और वर्क जो होती है, वर्क जो होती है दिस इज हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। हीट एंड वर्क, हीट इज आवर लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज आवर हाई ग्रेड एनर्जी। तो हीट को हमें वर्क में कन्वर्ट करना है, हीट को किस में कन्वर्ट करना है, वर्क में, मतलब लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मतलब कि एंट्रोपी का जनरेशन या एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, उसको मिनिमाइज करना है हमें। तो पूरे थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में यही चीजें हम देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट हीट इंटू वर्क, इट मीन्स हाउ टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इंटू हाई ग्रेड एनर्जी मैक्सिमम, हाउ टू मैक्सिमाइज। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू मैक्सिमाइज द कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इंटू हाई ग्रेड एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। आप जब जेरोथ लॉ पढ़ोगे, फर्स्ट लॉ पढ़ोगे, सेकेंड लॉ पढ़ोगे, एंट्रोपी पढ़ोगे, एक्सर्जी पढ़ोगे, टोटल में अपना मोटिव यही होता है कि हमें जो चीजें करनी है क्या करना है, लो ग्रेड को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमाइज करना है उसको। और उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वे फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू।